वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि डेमो क्लास आज आपकी होने वाली है ओ लेवल की। तो अगर आप लोग ओ लेवल का कोर्स कर रहे हैं या ए लेवल का कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए लेवल में भी ये चार पेपर सेम होता है, तो अगर आप ए लेवल करना चाहते हैं तो आपको भी ये वीडियो पूरा पूरा देखना चाहिए। और अगर आप कहीं से पढ़ाई कर रहे हैं तब भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलने वाला है सब कुछ फ्री में जो दोस्तों। तो इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको वीडियो कैसे मिलेगा, क्लास कैसे मिलेगी, क्या इसके अंदर आपको मिलने वाला है, वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा लाइव क्लास, यानी कि मैं आपको एक एक टॉपिक पर एक एक चीज़ों को डिस्क्राइब करूँगा डिटेल में, जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं। आप चाहें तो क्लास में आकर के पढ़ सकते हैं, हमारे ऑफलाइन क्लास में और ऑनलाइन क्लास में मैं सेम ऐसे ही पढ़ाता हूं आपको। आपको मिलेगा साथ में हमारा नोट्स, तो ये आपको नोट्स होगा। बुक्स मिलेंगी इसी के साथ में आपको, जो है ओ लेवल की बुक्स होगी जो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। एमसीक्यू मिलेगा जो आपके पेपर पार्ट वन में आता है, वो आपको सारे एमसीक्यू मिलेंगे। ओल्ड पेपर जो आपका पेपर हो चुका उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको सॉल्व किया हुआ मिलेगा। तो आसानी से आपको ये सारा कुछ हो जाएगा जो, ठीक है ना। प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे देना होता है, किस तरह से तैयारी करनी होती है, वो पूरा आपको कराएंगे। ये सब कुछ आपको इसमें मिलेगा जो, ठीक है ना। प्रॉब्लम सल्यूशन जो हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं उनका प्रॉब्लम सल्यूशन कराएंगे प्रैक्टिकल करा करके, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब आता है योर क्वेश्चन एंड आवर आंसर। ये हम लोग करते हैं जो है जब पेपर आने वाला होता है उसके एक महीना डेढ़ पहले, तो उसमें भी आपको ये पूरा का पूरा मिलेगा। आप अपना क्वेश्चन देंगे और हम उसका आपको आंसर देंगे दोस्तों। अब ये सब आपको अगर चाहिए तो आपको कुछ पेमेंट करना है दोस्तों, और वो पेमेंट कितना करना है तो ये आपको करना है 1000 रुपीज, जिसमें आपको ये पूरा का पूरा मिलेगा कंटेंट सारा का सारा। और पेमेंट आप हमारी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं www.riti.com/payment.com, यहाँ से आप पेमेंट करके और ये पूरा का पूरा पेपर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये पेपर पूरा का पूरा फ्री भी है दोस्तों, और ये कुछ लकी यूजर्स के लिए है जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं। उन्हें अपने दोस्तों को शेयर करना है, और जितना अधिक जिसका शेयर होगा उस अकॉर्डिंग उसको मिलेगा ये लकी, ठीक है ना। तो ये आपको पूरा मिलेगा, पास होने की हमारी पूरी गारंटी रहेगी। अगर आप हमारा पूरा पूरा क्लास करते हैं तो 100% पास होंगे, इसकी गारंटी रहेगी दोस्तों। अब हम आज क्या पढ़ाने वाले हैं वो आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वेब डिजाइनिंग के बारे में, यानी कि वेब डिजाइनिंग का पेपर हम लेने वाले हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ऑल अबाउट पेपर के बारे में कि पेपर क्या है दोस्तों उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ एचटीएमएल पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अभी आपको बता देता हूँ कि और भी क्या है इसके अंदर है। टाइप ऑफ वेबसाइट, टाइप ऑफ टैग ये आप पढ़ेंगे जो, ठीक है ना। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके पढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा नोट्स है जो कि आपको मिलेगा ये एकदम फ्री में, ठीक है। तो ये नोट्स आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा कंटेंट इसके अंदर तैयार किया हुआ है सारा, एचटीएमएल के लिए अलग, जावास्क्रिप्ट के लिए, सबके लिए अलग अलग तैयार किया हुआ है हमारा कंटेंट जो है। तो देखिए यहाँ पर ये हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ये हमारा बुक है जहाँ से आपको पूरा ये मिलेगा कंटेंट्स के अंदर का। तो चलिए हम आपको आज शुरुआत करते हैं पहले तो ऑल अबाउट कोर्स के बारे में दोस्तों। तो जो पेपर नंबर 2 बनाया गया है इसका जो पर्पज है डुएट का, वो ये है कि बच्चे को वेबसाइट के बारे में पूरा डिटेल पता चले, इसलिए इस पेपर का नाम भी रखा गया है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग का मतलब है कि उसे वेबसाइट बनाना आना चाहिए और उसे पब्लिश करना भी आना चाहिए। तो दोस्तों ये जो पूरा कोर्स कंटेंट है ये इसी पर निर्धारित है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है कि हम पहले तो इसको समझेंगे, ठीक है ना। तो वेबसाइट बनाने का तरीका क्या है, वेबसाइट बनाने से पहले क्या चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, और मान लो कि हमें वेबसाइट बनवाना है
तो हमें उसे क्या देना पड़ेगा, क्या जरूरी चीज़ें जो हम जानते हों ताकि हम अच्छी वेबसाइट बनवा सकें, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पर बताने वाले हैं दोस्तों आज के टाइम में। देखिए, वेबसाइट बनाना है अगर आपको, तो आपको मैं अपनी वेबसाइट दिखा करके थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको समझा सकता हूँ। यहाँ पर मेरी जो वेबसाइट है उसका नाम है RITI.com। RITI.com हमारा वेबसाइट है। अच्छा, मैंने सर्वर को डाउन कर रखा है तो इसलिए हमारा नेट जो है ना डाउन है, इसीलिए यहाँ पे ओपन नहीं होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे जैसा कि मैं यूट्यूब की ही ले लेता हूँ, जैसे यूट्यूब है ठीक है ना, ये भी वेबसाइट की तरह तो है जो है ठीक है ना। आप अपनी वेबसाइट बना करके और उस पर वीडियो बहुत सारा डाल सकते हैं, बहुत सारा कंटेंट डाल सकते हैं और उसको यूजर रीड करेंगे ठीक है ना। अब आप चाहते हैं कि वेबसाइट में हम ऐसा कुछ कंटेंट डाल दें जो हमको अपडेट नहीं करना है, तो ऐसी वेबसाइट को हम लोग स्टैटिक वेबसाइट बोलते हैं ठीक है ना। ऐसी वेबसाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक वेबसाइट बोलते हैं। और जिसमें बदलाव करते रहना पड़ता है, जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये सब ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे हर समय कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है, और इनके बदलाव को ही हम लोग बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट। तो दोस्तों यहाँ पर वेबसाइट हमारा क्या है ये यहाँ पर हमने आपको बताया ठीक है ना। तो ये वेबसाइट का टॉपिक इसके अंदर दिया हुआ है, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। वेबसाइट एक प्रकार के आपके जैसे घर के जैसा होता है ठीक है ना। घर आपका एक घर है, घर के अंदर बहुत सारे सामान अलग अलग और सब उनको सिस्टमेटिक ढंग से आपने रख रखा है ताकि जब जिसकी आवश्यकता पड़े आप उसे यूज कर सकें। वेबसाइट बिल्कुल ऐसे ही है, वेबसाइट के अंदर इंफॉर्मेशन होती है और वो यूजर को कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, उसका पूरा हम लोग ऊपर मेनू देते हैं ताकि वो आसानी से वहाँ पर पहुँच सके। तो इस तरह के हम लोग बनाते हैं वेबसाइट। अब वेबसाइट जैसा मैंने आपको बोला कि एक डायनेमिक वेबसाइट होती है और एक स्टैटिक वेबसाइट होती है। डायनेमिक वेबसाइट में हम लोग वेब पेज को अपडेट कर सकते हैं, इसलिए इसमें हमको डेटाबेस की आवश्यकता होती है और एक डेटाबेस को एक्सेस करने वाले सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की भी जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों मैंने स्ट्रक्चर में आपको बताया कि HTML, JavaScript, CSS ये कॉमन पॉइंट है, ये तो हमको जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। प्लस हमको PHP और MySQL, PHP हमारा सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और MySQL एक डेटाबेस है, तो इन तीनों चारों की आवश्यकता पड़ेगी हमको वेबसाइट को बनाने में, डायनेमिक वेबसाइट बनाने में। बिना हम इसके डायनेमिक वेबसाइट नहीं बना सकते दोस्तों। स्टैटिक वेबसाइट में हम केवल HTML, JavaScript और CSS की मदद से ही बना सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। सर्वर हमारे पास है और क्लाइंट कंप्यूटर है, सर्वर से डेटा इस पर आ जाएगा, इसमें कोई अपडेशन नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता है, इसे चेंज करना कठिन होता है ठीक है ना, कि इसे बनाना आसान होता है और ये यूजर्स के लिए सस्ता पड़ता है ठीक है ना। तो जो बनवाता है उसको भी सस्ता पड़ता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं डोमेन की। तो वेबसाइट में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है डोमेन ठीक है ना, जैसे .com, .net, .edu, .info, .viz, .org, .gov, बहुत सारा नाम है वेबसाइट का ठीक है ना। और इनके नाम से आप अपने वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे मेरी वेबसाइट का नाम है RITI.com, तो .com एक कॉमर्शियल वेबसाइट हो गई, कॉमर्स के पर्पज़ से बनाई गई है। .net नेटवर्क के लिए है, EDU मतलब एजुकेशन के लिए है, इन्फो इन्फॉर्मेशन के लिए, ORG ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो अलग अलग ये जो कैटेगरी दिया हुआ है अलग अलग पर्पज़ से बनाया हुआ है। ऐसे हमने यहाँ पर 12 कैटेगरी में वेबसाइट को डिफाइन किया है, एजुकेशनल, ऑनलाइन, वेब पोर्टल, ब्लॉग, कंटेंट एग्रीगेटर, बिजनेस मार्केटिंग, विकी, मतलब ये बहुत सारा टाइप हमने डिफाइन किया, तो आप इसको भी लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। अब दोस्तों बात करते हैं कि HTML क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पर टॉपिक में इसको भी कवर करना है, तो हम इसीलिए HTML को यहाँ पर ले रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ HTML ठीक है ना, तो हम यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन, साथ में हम एक देखेंगे प्रोग्राम बनाना सीखेंगे लास्ट में। तो हम पहले यहाँ पर देखते हैं, HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट। HTML का पहले फुल फॉर्म समझ लीजिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, यानी कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये स्पेशली कोई विशेष लैंग्वेज नहीं है, ये वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं है, ये वेब डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, ये स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। HTML डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, ये लिखा भी है कि ये वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। एंड कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट, इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, और एलिमेंट बताते हैं कि ब्राउजर को कैसे कंटेंट को डिस्प्ले करना। एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाई टैग, उनको हम लोग टैग कहते हैं, एलिमेंट को हम लोग HTML में टैग कहते हैं ठीक है ना।
जैसे हेडिंग, पैराग्राफ, टेबल, दैट इज कॉल्ड द टैग। बट ब्राउजर डू नॉट डिस्प्ले द एचटीएमएल टैग। ब्राउजर हमारा इस डिस्प्ले नहीं करता जो है टैग को। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट का एचटीएमएल लिखते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट का टाइप लिखते हैं, फिर एचटीएमएल ओपन करेंगे, उसको लास्ट में बंद करेंगे, हेड ओपन करेंगे और हेड के नीचे हमारा टाइटल ओपन होता है, टाइटल जो वेब पेज का टाइटल होता है, बॉडी और हेड के हेड क्लोज आएगा, फिर बॉडी आएगा, फिर एचटीएमएल आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा टैग है वो एचटीएमएल में, एचटीएमएल एक टैग हो गया जो ऊपर ओपन हुआ है, सबसे लास्ट में क्लोज हुआ है, और हेड और बॉडी ये दोनों महत्वपूर्ण टैग हैं, ठीक है। और यही स्ट्रक्चर हमारा है। तो अगर एग्जाम में आए तो स्ट्रक्चर भी आप इस तरह से ले सकते हैं और उसको इस तरह से बना भी सकते हैं पिक्चर के माध्यम से जो है, ठीक है ना। हमने यहाँ पर एक जैसे कि एग्जाम्पल लिया है टाइटल हेडिंग में, माय फर्स्ट हेडिंग, माय फर्स्ट पैराग्राफ। अब हम इसको लिखने के बाद में जब कोड को रन करेंगे तो कुछ आउटपुट इस तरह से आएगा वेब पेज का, क्या ठीक है। तो यहाँ पे हमने रन करके देख लिया। अब टैग की अगर हम बात करें तो टैग को भी हमने दो भाग में बांटा है, एक ब्लॉक टैग होता है और एक इनलाइन टैग होता है। इनके खास बात क्या है? तो इन टैगों की खास बात ये है कि जो इनलाइन टैग होता है उसकी विड्थ 0 होती है और जो ब्लॉक लेवल टैग होता है ना उसकी विड्थ 100% होती है। ये सबसे बड़ा डिफरेंट है इसमें जो, ठीक है ना, जो हम आगे आपको प्रैक्टिकल में भी दिखाएंगे जो, ठीक है। इसको दो जो है दो प्रकार से बांटा भी गया है टैग को, एक और तरीके से भी जो, ठीक है ना। तो उसका क्या है, कंटेनर टैग और इम्पटी टैग। कंटेनर टैग वो है टैग जो ओपन और क्लोज होते हैं और इम्पटी टैग वो है जो आपके ओपन और क्लोज मतलब क्लोज होते हैं, खाली ओपन और क्लोज एक ही में हो जाता है, जिसको हम कहते हैं जो, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो है टैग हमारे बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कंटेनर टैग हमारा जो टैग होता है वो उसी में क्लोज जाएगा, उसी में ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे इम्पटी का एग्जाम्पल जैसे टाइटल और टाइटल दिया हुआ है, तो इस तरह के टैग को हम लोग बोलते हैं इम्पटी टैग, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग एचटीएमएल के वर्जन की। तो यहाँ पे एचटीएमएल का जो वर्जन है वो 1991 से स्टार्ट हुआ और इसका डेवलपमेंट टिम्बरली ने किया था और ये उस समय बिल्कुल ऐसा लैंग्वेज बनाया था, यानी चाहते थे कि किसी भी कंप्यूटर पे डिस्प्ले हो जाए। उस समय जो कोई भी इंफॉर्मेशन भेजी जाती थी तो उसका उसी कंप्यूटर पे खुलता था, दूसरे कंप्यूटर पे नहीं खुलता था कंपनी के, क्योंकि ये दिक्कत थी। तो इसी पर्पज़ से टिम्बरली ने बनाया ऐसा कि सभी कंप्यूटर पे खुल सके, तो इसीलिए काफ़ी लचीला लैंग्वेज है। एचटीएमएल का हम लोग इस समय 6 वर्जन पढ़ रहे हैं और ये हमारा जो है एचटीएमएल 5 के बाद में आया है और 5 2014 में आया था जो है, ठीक है ना। एचटीएमएल 6 को लॉन्च कब किया गया है इसका कुछ नहीं मतलब ये ऑफिशियली डिसाइडेड नहीं है, बट हम उसके कोड को यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं फाइल एंड फोल्डर की। तो जरा यहाँ पर फाइल और फोल्डर का जो स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है दोस्तों, फाइल और फोल्डर का कुछ स्ट्रक्चर रहेगा ए बी सी, ये हम आपको करके दिखाएंगे, ठीक है ना आपको। अब यहाँ पे हम एक प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं जो कि प्रैक्टिकली कैसे करना होता है इसका। तो देखो बड़ा आसान है, आपको क्या करना है ना, अपना नोटपैड खोल लो, जैसे कि मैं नोटपैड खोल लेता हूँ यहाँ पर। अब हमने नोटपैड खोला, इसको बस क्या करना है, सिंपल काम है, सेव एज कर दो इसको, इसका नाम कर दिया मैंने माई पेज और डॉट एस टी एम एल लग दीजिए यहाँ पर। अब इस वाले को क्या करिएगा, और लगा दीजिएगा और इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पर, ताकि हमको आसानी से ये सेव हो जाए और पता भी चल जाए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एस टी एम एल हमने लिख दिया कोडिंग, ऐसे ही दोस्तों आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कठिन नहीं है लेकिन थोड़ा तो कठिन है ये। बॉडी लिख दीजिए, बहुत ही आसान है, देखिए आपको एकदम से याद हो जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया जो है, ठीक है। तो ये काफ़ी मज़ेदार है, आप इसमें जो कोडिंग करेंगे ना तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको जो है इसमें। तो अभी मैं हेड के अंदर कुछ नहीं करता हूँ, सीधा मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने लिख दिया H1 ले लिया, मैंने हेडिंग बना दिया इसको और हमने लिख दिया यहाँ पे
पर्सनल डिटेल, पर्सनल डिटेल्स, और हमने H1 को बंद भी कर दिया। अब हम सेव कर लेते हैं इसको, कंट्रोल S से सेव कर लिया। देखो कैसे रन करना दोस्तों, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये दिया हुआ है, माई पेज को पकड़ करके लाइए और ये अपना यहाँ पर छोड़ दिया। तो देखिए यहाँ पे पर्सनल डिटेल लेकर के आ रहा है। अब मैं इसके नीचे अपना डिटेल भरता हूँ, तो जैसे मैंने ले लिया पी टैग, पैराग्राफ टैग, नेम, राजेश IT, पी टैग को बंद कर दिया। हमने एड्रेस टैग ले लिया, पी ले लिया, अंदर लिखा एड्रेस और हमने लिख दिया है लखनऊ। मैं इसको लेता हूँ लखनऊ, पैराग्राफ है तो पैराग्राफ से बंद करेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये बंद हो गया हमारा। अब हम इसको सेव करते हैं और टेस्ट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है हमारा यहाँ पर। तो देखिए हमारा नेम और एड्रेस आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर हमने वेबसाइट टैग के प्रकार और एक आउटपुट प्रोग्राम देखा कि किस प्रकार से। अच्छा अब आप ये बताइए हमको, क्या आपको लगता है कि ये इस तरह का आउटपुट आप नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो यार, कुछ नहीं करना, सिंपल सा देखो प्रोग्राम ने किया, कुछ करना थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं किया। हेडिंग ऊपर वाला बना दिया, पैराग्राफ हमने बना दिया 2 लाइन का, बस सिंपल सा काम था जो, तो कुछ खास नहीं करना है, बहुत ही आसान है ना। आप कमेंट में जरूर बताइए हमको कि आसान है कि नहीं है। अब हम बात करेंगे आपसे जो है, और वो बात करेंगे आपको क्वेश्चन पूछने वाले हैं जो है, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, आपको उस क्वेश्चन का जवाब देना दोस्तों, और लास्ट में आपको बताने वाला हूँ जो नोट्स हमारे हैं उनको कुछ और दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको कुछ और भी पता चले कि दोस्तों आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है ना। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि वेबसाइट क्या है। मैंने आपको बताया है आज की वेबसाइट क्या है, डोमेन, दो डोमेन नेम बताइए आपको जो है, ठीक है ना। डोमेन का नेम या डोमेन का टाइप बता दीजिए, और HTML का फुल फॉर्म क्या है ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम एंड एड्रेस इन HTML, ये वाला प्रोग्राम करके भी आप हमें कमेंट बॉक्स में डालिए। जिनका पूरा आएगा उनको हो सकता है कि लकी विनर बन जाए दोस्तों, और उन्हें 1000 रुपये का जो पूरा कोर्स है ये आपको फ्री में एकदम मिल जाए। तो आप हमारे साथ अभी बने रहिए, 1 मिनट का और टाइम है। तो ये कमेंट में जवाब आप हमें ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, और ट्राई करिए आप लोग कमेंट में, और देखिए कि देखते हैं कि आप लोग सीखे या नहीं सीखे, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा थोड़ा थोड़ा हम आपको जानकारी दे देते हैं। यहाँ पर देखिए हमने जो हमारा कंटेंट है एंगुलर जेस का है, HTML का है, ये हमारा MCQ दिया हुआ है, MCQ दिया हुआ है, वेब पब्लिशिंग से संबंधित कंटेंट दिया हुआ है, सारा दिया हुआ है। मैं आपको एक MCQ ही खोल कर दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको ये दिक्कत कन्फ्यूजन ही खत्म हो जाए, भाई क्या है कोर्स के अंदर, क्या सचमुच में है या नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अच्छा, ये तो हमारा वही है MCQ हमारा, ये MCQ नहीं है, ये वाला हमारा MCQ, तो मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पर, ये हमारा MCQ है। तो आप यहाँ पर एक एक क्वेश्चन दिया उसका आंसर दिया हुआ है, एक एक क्वेश्चन दिया उसका आंसर दिया हुआ है, तो बस आपको आसानी से ऐसे ही MCQ मिलता चला जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक MCQ है, ये वाला भी देख लीजिए, इसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ है। ये ऐसे आपको MCQ दिया हुआ है, इसके अंदर आपको डिटेल में दिया हुआ है सारा कुछ, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे जो दोस्तों, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए आप लोग, ठीक है ना। और आपको अगर ऐसे वीडियो और भी चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप हमें कमेंट करिए, और कौन कौन लोग क्लास करना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करें, और आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के भी इस तरह के और डिटेल्स भी जानकारी दे सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।